बिहार के चार क्रिकेटरों ने आईपीएल में मचाई धूम, दिल खोलकर करोड़ों में लगी बोली। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार के 13 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में इतिहास रच दिया है। सोमवार को हुए नीलामी के दूसरे दिन और आखिरी दिन राजस्थान रॉयल्स ने वैभव को 1.10 करोड़ रुपए में खरीदा। उनके लिए बोली 30 लाख रुपए के बेस्ट प्राइस पर शुरू हुई थी और अंतिम में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खरीद लिया, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने भी उनकी बोली लगाई थी। इस खरीदारी के साथ ही वैभव आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं और वे अब आईपीएल के सबसे छोटे करोड़पति भी हैं। वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट करियर बहुत ही कम उम्र में तेजी से उभरा है। वे बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं और केवल 13 साल की उम्र में उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिला। वे पहले भी अंडर 19 क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेले गए एक मैच में 58 गेंदों में शतक मारकर चर्चा में आए थे। इसके अलावा वैभव ने महज 12 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था। वे बिहार के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी भी एक क्रिकेटर रहे हैं और वे ही अपने बेटे को क्रिकेट सिखाने के लिए कोच का काम करते हैं। संजीव सूर्यवंशी का क्रिकेट में गहरा अनुभव है और उनका मार्गदर्शन ही वैभव की सफलता का कारण बना है। 23 नवंबर को ही वैभव ने राजस्थान के खिलाफ एक T20 मैच में डेब्यू किया था, जिससे उनके आईपीएल में कदम रखने का रास्ता और भी मजबूत हुआ। इस नीलामी के साथ बिहार के अन्य क्रिकेटरों का भी जलवा देखने को मिला। नवादा जिले के ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 11.25 करोड़ रुपये में खरीदा। ईशान किशन पहले भी भारतीय टीम का हिस्सा रह चुके हैं और आईपीएल में उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण उनकी बोली लगी है। इसके अलावा गोपालगंज के मुकेश कुमार और रोहतास के आकाशदीप के लिए भी आईपीएल टीमों ने भारी रकम लगाई है। मुकेश कुमार को दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ रुपये में खरीदा है, जबकि आकाशदीप को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 8 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मुकेश कुमार पहले आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से थे, जब उनकी बेस प्राइस 50 लाख रुपए थी। अब दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी टीम में शामिल किया है। पिछले साल भी दिल्ली ने मुकेश को 5.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। मुकेश की तेज गेंदबाजी ने भारतीय टीम के लिए कई मैचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आईपीएल में उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा है। रोहतास जिले के आकाशदीप भी एक तेज गेंदबाज हैं, जो आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स से खेलेंगे। आकाशदीप का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपया था, लेकिन उनकी बोली 8 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जिससे उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा की झलक मिली। आकाशदीप का क्रिकेट करियर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ उनका भविष्य उज्ज्वल नजर आ रहा है। बिहार के क्रिकेटरों की ये सफलता ये साबित करती है कि राज्य में क्रिकेट का स्तर लगातार ऊंचा हो रहा है। अब बिहार के युवा खिलाड़ी आईपीएल के बड़े मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं और भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण स्थान बनाने की दिशा में अग्रसर है। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में बिहार के क्रिकेटरों का दबदबा देखने को मिला और ये आगामी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा है। इन खिलाड़ियों की सफलता ने यह भी दिखाया है कि क्रिकेट के प्रति बिहार के युवाओं का उत्साह और समर्पण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भविष्य में बिहार से और भी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक सकते हैं। इन सभी खिलाड़ियों की सफलता पर उनके परिवारों और कोचों का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जो इन खिलाड़ियों को सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दे रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आईपीएल 2025 में ये चार खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करेंगे, आपको क्या लगता है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।